एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवा को कुशल, प्रशिक्षित और उद्यमी बनाने में प्रयासरत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि से संबंधित 19 उपक्षेत्रों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न योग्यता पैक अर्थात क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनमें से आज हम गार्डनर के जॉब रोल के बारे में चर्चा करेंगे, जो एमिनिटी हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग अर्थात सुविधा बागवानी और भू निर्माण के तहत आता है। आइए जानते हैं इनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां। बगीचे में रोपाई के लिए नर्सरी में पौधे उगाना, बगीचा स्थापित करने की तैयारी करना, योजना के अनुसार बगीचा स्थापित करना, बगीचे का रखरखाव करना, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करना, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना, डिज़ाइन सेटअप और छत के बगीचे की देखभाल करना। इस कोर्स को करके आप यह महत्वपूर्ण मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 में गार्डनर की भूमिका का परिचय, मॉड्यूल 2 में नर्सरी में पौधों का प्रोपोगेशन, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में बगीचा स्थापित करने की तैयारी और उसकी स्थापना, मॉड्यूल 5 में बगीचे का रखरखाव, मॉड्यूल 6 में कार्यस्थल पर प्रभावी संचार, मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 में साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान, मॉड्यूल 9 में छत के बगीचे को डिज़ाइन स्थापना और बनाए रखना। इस जॉब रोल में नामांकन करने की पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं: 5वीं कक्षा के साथ 6 महीने का अनुभव या NSQF लेवल 3 असिस्टेंट गार्डनर के प्रमाण पत्र के साथ 1 या 2 वर्ष का अनुभव या NSQF लेवल 3 नर्सरी वर्कर के प्रमाण पत्र के साथ 1 या 2 वर्ष का अनुभव। इस प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि 340 घंटे है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार आप लेवल 4 गार्डनर से लेवल 5 हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर या हेरिटेज गार्डनर में अपग्रेड कर सकते हैं। यह जॉब रोल आपको स्वरोजगार के साथ साथ इन संबंधित संस्थान जैसे ICAR, पतंजलि, समक लैंडस्केप, गार्डन आर्ट्स नर्सरी आदि में रोजगार के लिए सक्षम बनाएगा। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से आज ही संपर्क करें।